तो चलो, तो हमारे पास ये सेक्शन था। अच्छा, आप देखते हैं कि ना लाइक प्रोटोटाइप इस पे और क्या क्या कर सकते हैं कंपोनेंट से। जैसे मेरे पास ना एक ये रेक्टेंगल है, इसको मैंने राउंडेड कर दिया इस तरीके से, इसी की कॉपी कर ली। पहले क्या करा इसको, कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल ऑल्ट जी, फ्रेम सिलेक्शन। फिर मैंने इसी फ्रेम को ना दोबारा से कॉपी कर लिया और इसके अंदर ना क्या करा, पेन टूल लेके, ये पेन टूल है, पेन नॉर्मल, आप ऐसे ही क्लिक करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, और डन कर दोगे तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हमारे पास ये टिक मार्क है और ये जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। आप शेडो मार दो उसको, शेडो को आप ड्रॉप शेडो, और यही सेम ड्रॉप शेडो आपने क्या करा, तो हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट के कर देंगे, ठीक है, कंपोनेंट, और कंट्रोल ऑल्ट के कंपोनेंट दोनों बन गए। देन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। हाँ एक तो हमारा ये रहा फ्रेम और एक फ्रेम ये रहा, तो एक फ्रेम को कंट्रोल ऑल्ट के कर दिया और एक फ्रेम को कंट्रोल ऑल्ट के कर दिया। अब क्या करते, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन वेरिएंट पे क्लिक कर दिया। अब प्रोटोटाइपिंग मार देते हैं, तो हमने यहाँ पे ही क्लिक करके ऐसे चेक कर दिया और क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक पे होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने इसी को उठा के इधर रख दिया और ये भी ऑन क्लिक पे ये वाला फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद एसेट्स में। इसको उठा के अपना चेक कर लेते हैं, तो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, चेक हो रहा है, क्लिक करने पे हाइड हो रहा है, समझ में आया। तो आप ये इस तरीके से लगा सकते हो, हो सकती है जैसे कि आप, मैं कंट्रोल जेड फिर से कर रहा हूँ, ये ना अगर आप इसको उठाओ, उठा के ऊपर रख दो, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट करो, अब हम ना प्रोटोटाइपिंग में जाके वेरिएंट कर देते। अब देखो क्या दिक्कत आएगी, अब जरा चेक करते हैं अपन। हाँ तो एसेट्स में जाते हैं, आया क्यों नहीं एसेट्स, अच्छा यहाँ, हाँ तो देखो अब की बार क्या हो रहा है, टिक वाला आ रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी ऊपर होगा वो उसी आती है, ठीक है। क्लिक करा ये हाइड, क्लिक करा ये बंद, ठीक है, आगे समझ में। तो जो चीज ऊपर होगी वो आएगी, ठीक है, वो पहले चेक दिखाना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक समझ में आ गई ना आपको। तो आप इस तरीके से ये भी बना सकते हो, ड्रॉप डाउन बनाना है, मतलब फुट और ड्रॉप डाउन, तो मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक मार देता हूँ, डन। क्या करेंगे इसको ना,
सही है। तो यहाँ पे अपन एक वो बना लेते हैं, रेक्टेंगल। इसे कॉर्नर कर देते हैं और इसे कलर दे देते हैं। इसको ये कंबाइन हो गया। इसी कंबाइन का ऑप्शन आता है यहाँ पे, जो कंबाइन उठा के इसके अंदर रख देंगे ऐसे, इसके अंदर रख दिया। हाँ हो गया। ये जो वाला ऑनलाइन दो बटन थे यहाँ पे, तो ये गए भाई, भेज देता हूँ। सर ये इसलिए करा हमने, क्या तो ड्रॉप डाउन नीचे का करना था इसके यूनियन का, क्या चीज ये इसमें इसमें रखना है ना, ये इसके अंदर रखना है ना। तो ये आगे ये क्या है, ये फ्रेम वन है, ये फ्रेम टू है, और ये क्या है ये बता दें क्या है, ये उधर का होगा है ना। तो अपन को तो इस पे काम करना है बस। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना प्रोटोटाइपिंग कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, ऑन क्लिक पे बस। और जब कोई दोबारा क्लिक करेगा तो यहाँ क्लिक कर देगा, ठीक है। अब जरा हम लेके आते हैं इसको, इसमें गए कंबाइन नहीं करा मैंने, हाँ अलग अलग है ना। दोनों को कंबाइन करना, पहले कंबाइन का ऑप्शन है, कंबाइन वेरिएंट, ठीक है, बस ये हो गया। आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो, इस तरीके से जितना दिखाना है, तो मुझे पूरा ही दिखाना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब अपन यहाँ आएंगे, अब ये ड्रॉप डाउन हमारा एसेट्स के अंदर, यहाँ ये रहा ड्रॉप डाउन, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब जरा चेक करें कैसा आ रहा है, आगे समझ रहे, क्लिक करने पे अच्छा मैं डबल क्लिक दूसरा ही लगाया, समझ में आया ना आपको किस तरह की प्रोटोटाइपिंग पे काम करना है इसमें। तो क्लिक करने पे बंद हो गया, क्लिक करने पे खुल गया, ठीक है, आ गया ना समझ में। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया, जितना साइज आपको रखना है इसके अंदर सेट कर लेना। और ये चीज ना, अगर ये देखो ये फ्रेम जो है अगर ये छोटा हुआ यहाँ पे ऐसे, तो देखो कैसा हो उसको, ये देखो ये क्या नाम है, जितना बड़ा यहाँ पे इस तरीके से होगा ये इसमें आएगा उतना ही, अगर आपने एक रखा तो नहीं आएगा ये पूरा, दो में आधा भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से पूरा सेट कर लेना, ठीक है। हमारा ड्रॉप डाउन इस तरीके से, पहले टिक पे था, क्या ये पहले टिक पे था ना, पहले टिक पे था, मतलब जैसे हम जो ये टिक राइट है हमारा, उस पर कर देते तब आता था। हाँ फिर आपने कैसे मेरे ये ड्रॉप डाउन, मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे क्लिक करने पे ऐसा कर दिया, फिर उसको मैंने यहाँ इसी को उठा के ऊपर ड्रैग कर दिया। अच्छा, आप पहले हमने उसको करा था। तो ये क्या हो रहा है हमारा, क्लिक करने पे इस तरीके ड्रॉप डाउन इस तरीके से बना, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, तो आप इस तरीके से ऐसे करा सकते हो।
लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यूजर इस पे क्लिक करे कोई वेबसाइट खुल जाए तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के कर देना, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे ना कोई वेबसाइट को लिंक करा देता हूँ, https://google.com, और आप क्या करेंगे वैसे छोड़ देना, तो इससे क्या हो जाएगा लिंक लग जाएगा। चेक करते हैं, तो देखो इस पर लिंक लग गया है, यूजर क्लिक करेगा तो वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। अगर लिंक कराना है तो क्या करेंगे आपको ना, पहले क्या करना है, ये टेस्ट के ऊपर पॉसिबल है तो कोई भी टेस्ट के ऊपर आप लिंक लगा सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे ना अप्लाई नाउ पे लिंक लगाना है, आपने सबको सिलेक्ट करना है पहले और कंट्रोल के कर देना है। कंट्रोल के शॉर्टकट है, अच्छा बिना सिलेक्ट करे कंट्रोल के करो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे जो भी लिंक है, जैसे मुझे अपनी वेबसाइट का ही लिंक लगाना है, और आपने बस यहाँ पे इतना करके बस छोड़ देना है, तो ये अपना लिंक लग जाएगा। देखो चेक करते हैं, अप्लाई नाउ क्लिक किया, ये हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिंक करा सकते हैं। तो ये भी जरूरी होता है, फेसबुक से लिंक लगाना है, इंस्टाग्राम से लिंक लगाना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल के करना है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के कर देना। कंट्रोल के कैसे करोगे, कोई टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट कैसे, ये जस्ट टेस्ट है ये वाला, टेस्ट है। पहले टेस्ट को देखो ऐसे सेलेक्ट करना, देखो पहले टेस्ट को ना ऐसे सेलेक्ट करना, फिर उसको बस कंट्रोल के करना। यहाँ पे जो भी लिंक कराना है, फिलहाल जैसे मैं हैशटैग लगाया था, मतलब सेल्फ लिंक लगाया था, उसका होगा सेल्फ लिंक। हैशटैग का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंक। तो इससे क्या हो जाएगा, सेल्फ लिंक हो जाएगा, मतलब इस पर क्लिक करने का कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। कोई लिंक लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक करा सकते हो। ठीक है, और अगर इसको एडिट करना होगा तो आप ना यहाँ पे देखो ये आइकन बन के आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल के, ठीक है। और एडिट करने के लिए आपको ना होवर लेके जाना उसके ऊपर, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हो इस तरीके से। और लिंक को ब्रेक करना है तो आप यहाँ क्लिक कर देना, लिंक ब्रेक हो जाएगा, हट जाएगा। हाँ ड्रॉप डाउन आते हैं, उसके बाद हमें उन पे लिंक अटैच करना पड़ेगा या मतलब अलग पेज अटैच करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल लिंक है, हमारे पास दो तरीके के लिंक हो सकते हैं, या तो हमारे अलग अलग पेजेस हो सकते हैं, या फिर हमारे इसी पेज पे, यानी कोई अप्लाई नाउ का आपने अलग से गूगल फॉर्म करा दिया, अप्लाई नाउ का आपने कोई क्या नाम है अपनी वेबसाइट ओपन करवा दी, तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। क्या आप ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। आप कोशिश कर दिया, सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, और आप अंदर और एलिमेंट दिखा दिए, तो मैंने क्या करा, कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ आपने अलग एलिमेंट दिखा दिए, ऐसे कंट्रोल डी करके अंदर ड्रैग कर दिया, ये मैंने ऐसे दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा
ये क्या है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? ये हमारा ये रहा, ये हमारा ये रहा, ये हमारा ये रहा, ठीक है। अच्छा, आर्टबोर्ड से बाहर है, दो चीज आर्टबोर्ड से बाहर है, इसे उठा के हमने नीचे रख दिया। तो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट किया पहले, अलग अलग कोर्सेज लगा देना जो जो है, राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन, इसको भी राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन। फिर आप क्या करोगे, इसको पहले कंट्रोल ऑल्ट के, फिर इसको कंट्रोल ऑल्ट के, फिर आप दोनों को सिलेक्ट करा और यहाँ से इसको सॉरी ऐसे कर दिया, ठीक है, और ऐसे कर दिया। कोर्सेस का और चेक करते हैं, क्लिक करने पे यहाँ अलग अलग कोर्सेस है, इसमें जो अलग अलग वो कोर्सेस के नहीं। हाँ, वो आप स्क्वायर में रख देना, स्क्वायर में रख के अलग से डिजाइन कर लेना पूरा अच्छा सा, ठीक है, और लिंक करा देना बस। आप लिखने के बाद उसके बाद बस इसी तरीके से लिंक हो जाएगा ना ये, बस आप इससे डिजाइन कर लो इसको पूरा, इसमें फिर हाँ बस इसको ऐसे लिंक करा दो आपस में। और जब सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हो वो चीज एक्टिविटी, वो नहीं होगी, वो चीज नहीं होगी, मतलब आपको इतना ही करके दिखा सकते हो क्लाइंट को कि आप क्या, वो तो रिकॉर्डिंग का पार्ट है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से लिंक कराएंगे, हमने ड्रॉप डाउन का देख लिया, ड्रॉप डाउन कैसे बनाया गया है ना। ऑल सिलेक्ट कौन सा, ये पता क्या हो रहा है, ये जो है ना ये एक ही फ्रेम के अंदर रखा हुआ है, ये देखो ये अलग फ्रेम पे रखा है तो ये सही आ रहा है, ये जो है ये अलग फ्रेम पे रखा हुआ है, ये जो है ना इसका कोई वो नहीं है, लिंक नहीं लगा हुआ, ये लिंक हट गया इसका, इसलिए हाँ इस पे कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो ये चीज हो गई हमारी। एक आइकन लिया, आइकन के लिए प्लगइन राइट प्लगइन और फाइंड मोर प्लगइन आए, और वो ऐसे ही फॉर्म फाउंड होता है, रन कर लेते हैं। और क्या चाहिए, मुझे सर्च का आइकन चाहिए, मैंने क्लिक किया, सर्च का आइकन आया। ये पता क्या होता है, जब आप कोई आइकन लोगे ना इनसे, तो अगर आप इनकी लेयर चेक करोगे ना, यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ, तो ये देखो इसका ना आर्टबोर्ड भी आता है, आपको आर्टबोर्ड की नीड नहीं होती, तो आप डिलीट मांग लेंगे आर्टबोर्ड से। मैं यहाँ से डिलीट कर रही थी, डिलीट कर दी। नहीं नहीं, फिर वो ना पता क्या होगा, वो ना आर्टबोर्ड के अंदर ही होगा, ये आपका ये आर्टबोर्ड के अंदर होगा ऐसे, तो आपको ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है आर्टबोर्ड से बाहर निकालना है पहले, फिर इसको डिलीट मांग लेना। यस सर, तो ये आ गया हमारे पास, मुझे क्या करना है, आर्टबोर्ड में ले लो तो बाहर आ जाए। हाँ, मुझे यहाँ पे मैं जो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, ये ऐसा आ गया। और सेकंड मैंने क्या करा, इसके साइज को ना यहाँ पे शुरू में ऐसा रख लिया और फिर ऐसा कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन किया एंड देन कंट्रोल डी करा और कंट्रोल डी इसलिए करते हैं कि डुप्लीकेट ज्यादा होते हैं। इसका साइज हमने यहाँ से शुरू में साइज कम कर लेते हैं,
मैंने क्या करा, पहले कंट्रोल डी कर लिया, ठीक है, और इसका साइज ना मैंने शुरू में कम कर दिया, ठीक है, ये पहले दिखाना है मुझे, तो ये ऊपर रखूंगा या नीचे रखूंगा आपके, ठीक है, ये नीचे रखूंगा। मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन, इसको राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन, दोनों को सिलेक्ट कर, पहले इसको कंट्रोल ऑल्ट के, फिर इसको कंट्रोल ऑल्ट के, ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन वेरिएंट, ठीक है, क्लिक किया, ड्रैग करके हो गया हमारे पास। चेक करते हैं, ऑन क्लिक स्मार्ट एनिमेट इज आउट, जो भी देना आपने, तो यहाँ पे काफी सारे इफेक्ट्स हैं, अब इस पे क्लिक करोगे तो चल जाएगा यहाँ पे इज आउट, इज इन, इज आउट बैक, बाउंस, स्लो, काफी सारे हैं यहाँ पे, तो ये काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं इज इन कर देता हूँ। अब बस चेक कर लेते हैं, एफएक्स में गए, यहाँ से सब आया, यहाँ रख दिया इसको, अब चेक करते हैं, कंबाइन वंबाइन सब कर लिया है मैंने, पर ये दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आई है देखो, सॉल्यूशन ये है, आपको ना फ्रेम वन और फ्रेम टू में चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको आइकन को तो यही ऐसी रेंज देना है, ठीक है, इसको ना घुमा देना है, ठीक है, और आइकन को सेम ऐसी रेंज देना है, प्रोटोटाइपिंग चेंज कर दो, मतलब उसमें इफेक्ट कुछ छोड़ने लगा है मैंने, कोई इफेक्ट छोड़ने लगा है मैंने उसमें, कोई मैंने इफेक्ट नहीं लगाया ना उसमें, इसमें तो फिर वो इंस्टेंट आ जाएगा ये चीज़। अरे बाप, क्लिक करने पे हमने ऊपर वाला उल्टा कर, ऊपर वाला सीधा करा था, नीचे वाला हमने उल्टा कर दिया, देखें भाई दोबारा, ये है हमारा। हाँ, आपने क्या करना है, इसको ना फ्रेम को इसको हम हटा लेते हैं, ऐसे नहीं करना, आपने इसको ना यू रखना है, ऐसे अभी ये इधर जा रहा है, इनकी वैसे होता ही है, पॉइंट ये पॉइंट जहां से आएगा ये एक्शन वहीं से लेगा, ये पॉइंट इससे ऐसे फ्लिप होगा नहीं, अभी ना लिस्ट कंपोनेंट बना रखा है ना, ये था हमारा है ना, हमारे पास क्या है, ये टास्क है, ये वाला है हमारा, इधर ये मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कंट्रोल के ऑल्ट के और कंट्रोल ऑल्ट के, ये हमारा कंपोनेंट बन गया, ये भी हमारा कंपोनेंट बन गया,
अगर हम यहाँ रख दें, साफ करें, कहाँ है हमारी ये फ्रेम, ये रहा सर्कल, ये रहा हमारा ये रहा वेक्टर, दोनों को हमने क्या करा, सिलेक्ट करा, कोई भी, अरे ये क्या हो रहा, कोई भी रख दिया होगा, कंट्रोल जी, इसका कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा, ऐसे ना हो। और ये भी हमारा कंट्रोल जी है, हमने क्या करा है, इसको फ्रेम बनाया और हमने इसको क्या करा, फ्रेम बनाने के बाद कंट्रोल ऑल के तो भी हमने फ्रेम बनाते और कंट्रोल ऑल के तो ना है, पर कोई दिक्कत आई थी कि पॉइंट जो है ना उसका यहाँ से है कि हम इसके पॉइंट को भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो क्या इसी दोनों को सिलेक्ट किया, कंबाइन एज वेरिएंट प्लेजर की बोला है ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इतना करने के बाद टाइपिंग क्लिक किया या ड्रैग करा, मैं ना स्मार्ट एनिमेट बता रहा हूँ, इंस्टेंट रख रहा हूँ, जैसा भी आ रहा देख लेगा। तो वही आ रहा है, उधर की तरफ मूव करेगा, ये देखना पड़ेगा ये कैसे करना है, होता तो है ये। अच्छा ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये भी चीज समझ में आ गई तुमको कि किस तरीके से सर्च बार बना सकते हैं। ऐसे स्टेटस चलते रहते वैसा इफेक्ट बना रहे, ठीक है, मैंने सर्कल ले लिया और इसको मैंने उठा के और दबा के ड्रैग करके ले सकता हूँ, ठीक है, इन सब को मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया, इन सब को ग्रुप बना लेते हैं कंट्रोल जी से, ग्रुप बना लिया, देन हमें हमें इमेज डालनी है, इमेज डालने के लिए कौन सा है, राइट क्लिक प्लगइन, और प्लगइन कौन सा प्लगइन है, कंटेंट रील, कंटेंट रील ये प्लगइन है, इससे आप इमेजेस डाल सकते हो, आपको बनी बनाई इमेजेस मिल जाएगी, तो आपको बस क्या करना है, ऐसा क्लिक करना है इसमें और ऐसा क्लिक कर देना है, तो डमी इमेजेस अपने आप मिल जाएगी इसके अंदर। तो मैंने कुछ इमेजेस डाल दी यहाँ पे, ठीक है, क्या तो ये आ गई हमारे पास इमेजेस, कुछ हमारी दिखाई नहीं दे रही, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ना एक ऑप्शन होगा यहाँ पे क्लिप कंटेंट, इसको अनचेक कर देंगे तो दिखाई दे जाएगी, ठीक है, यहाँ भी लगानी है मुझे, तो मैंने यहाँ पे ये लोगो लगा दिया, कोई यहाँ पे मैंने ये इसकी लगा दी और यहाँ मैंने इसकी लगा दी, यहाँ पे सारी हमारी क्या हो गई इमेजेस ऐसे लग गई है, ये वाला प्लगइन अच्छा प्लगइन है, क्योंकि ना हमें स्टार्टिंग में डमी बनानी पड़ती है, मतलब ओरिजिनल कंटेंट नहीं लगाते हम, डमी लगाते हैं, बाकी जब कोडिंग होती है तब चेंज रहती है, तो आपको इस तरीके से बना लिया आपने, इन सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फ्रेम सिलेक्शन करा और इस फ्रेम को कर दिया छोटा, यहाँ से ऐसे, ठीक है, फ्रेम को छोटा कर दिया, देन इसके बाद आप क्लिप कंटेंट पे क्लिक कर देना, तो बाहर से नहीं दिखाई दे रहा, आप यहाँ से प्रोटोटाइपिंग में जाना, नो स्क्रोलिंग की जगह हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग कर लेना, तो अब जरा चेक करते हैं, तो ये देखो हमारे पास ऐसे स्क्रोल करने के ऑप्शन आ रही है,
ठीक है, तो आपको स्क्रोलिंग वाला ऑप्शन चाहिए तो आप इस तरीके से स्क्रोलर वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। ऊपर नीचे भी जा रहा है ये ना, स्क्रीन बड़ी है, अभी स्क्रीन का साइज बड़ा कर रखा है, तो इस तरीके से देखो हमारे पास ये आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, जितने एरिया में दिखाना चाहते हैं उतने एरिया में आ जाएगा। एप्लीकेशन में भी देखा होगा आपने, जोमेटो में, और उसमें क्या होता है रेस्टोरेंट के चलते रहते हैं, तो इस तरीके चाहते हैं कि यहाँ पे वो आ जाए क्या एरो का निशान, जिस पे क्लिक करें तभी आ जाए। हाँ, ये भी कर सकते हो आप चाहते हो कि एरो का निशान आ जाए तो आप एरो बना सकते हो। प्रोटोटाइपिंग में क्या करोगे आप, क्लिक करने पे थोड़ा सा यूं मूव करा दोगे, मैं जो छोटा सा ना एक सर्कल बना दूंगा फिलहाल, मैं चाहता हूँ इस पे कोई क्लिक करे तो ये मूव कर जाए। ठीक है, ऐसे क्लिक कर ले मूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ेगी। अब प्रोटोटाइपिंग में करना क्या क्या पड़ेगा, लिंक वाला चाहिए मुझे, तो हम एक काम करते हैं इन दोनों को कट कर लेते हैं और फ्रेम में रख लेते हैं इसके। फ्रेम कौन सा है, फ्रेम वन में, ये रहा फ्रेम वन में, तो इसमें हम क्या करते हैं इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट कर दी दोनों सर्कलों को, दोनों सर्कलों को मैंने इस फ्रेम में पेस्ट कर दिया। मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, कैसे आ रहे हो, मुझे करना क्या है, इस पे क्लिक करे तो ये मूव कर जाए। तो क्या किया जाए इसके लिए, प्रोटोटाइपिंग में जाके देखते हैं, तो सो पा रहा है इसमें, सर्कल पे क्लिक करने में मूव करे, अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट टू कंपोनेंट हो जाएगा पता, फिर कैसे करना पड़ेगा, मैं अलग से बनाता उसको। हाँ, पांच छह सर्कल और लिए होंगे, उसमें दोबारा पूरा ये लिया मैंने, ऑल दबाया पैसे थी, तो इसी की कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके अंदर दो सर्कल ले लेते हैं छोटे छोटे, इस पे क्लिक करेगा यूजर, इनको हमने क्या करा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। चालीस नहीं तो टाइम का क्या करना तुम्हारा, अब क्या करना टाइमिंग का, क्या कह रहा हूँ फोटोशॉप में क्या कैसे करना, अब ऐसे कब करोगे, ये तो बेस्ट है, काफी आगे चला गया ये कहाँ फोन में आ रहा है, इसमें पांच क्लास हो गई, चार से पांचवी क्लास है। मतलब लास्ट क्लास हो गई है, मैंने यूआई वाला पार्ट बताया था पिछली क्लास में, और पिछली क्लास में मैंने यूआई का पार्ट, और मैंने इसमें ना और भी बताया था क्या, लिंकिंग करना, फोटोशॉप में कितना परसेंट आ गया है, 30% आ गया है। कितनी क्लास छोड़ी है तुमने, उठा के मैंने
ठीक है, अब इसको ही मैं चेंज करके कर दूँ, दोनों को सिलेक्ट करते हो तो बीच में ये पॉइंट आता है। करेंगे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल के अब बस क्या करना है, लिंकिंग करनी है। लिंकिंग करने के लिए और क्या करना चाहिए, फ्रेम तो हो गया हमारा, प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं, कंपोनेंट बना दिया हमने। अब हमें करना क्या है कि जब यूजर इस पर क्लिक करेगा, इस पर यहाँ क्लिक करवाऊंगा मैं, इस पर क्लिक करवाऊंगा तो ये वाला फ्रेम खुल जाएगा, ठीक है। और जब इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला फ्रेम खुल जाएगा, ठीक है बस। और दोनों को कंबाइन इज वेरिएंट, ठीक है। और अब एसेट्स में जाते हैं, अच्छा करते हैं, ये आ रहा है, एक क्लिक क्यों नहीं हुआ, क्लिक तो होगी ना, एक तो स्क्रीन पर हो गई है। हां आप अपनी साइट खोलिए, कैसे अपनी साइट खोलिए, हाय डॉ पूरा ये वाला पेज साइट बना दो, ठीक है। ये वाला जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से नहीं, एक बार एक ही बार क्लिक हो पाएगा, बार बार नहीं हो पाएगा, एक ही बार स्लाइड कर पाएगा, स्लाइड कर पाएगा ना, वो एक ही बार क्लिक पाएगा। तो हमें बस समझाना, हेलो और आज की क्लास में थोड़ा मैं बिजी हूँ, कल क्लास में होगा। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया ना समझ में। तो ये नहीं कि आप ये बिल्कुल एग्जैक्ट वेबसाइट जैसा बना लोगे, आपको मतलब थोड़ा बहुत इसकी डिजाइनिंग ऐसे दिखानी है कि आप ऐसे दो क्लिक दिखा सकते हो, बस एक ये मूव करके ऐसे मूव हो जाए। हां वो ये 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 यार का पता था, ये वाला नहीं नहीं ये नहीं बन पाएगा, कोडिंग से बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट से बना रखा है, ठीक है। इसके लिए जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, आपको बस क्या करना पड़ेगा, चेंज को समझाने और ये वाली मतलब लाइन ले रखी है आपने, नहीं दे इसमें ये, हां ये लाइन ले रखी है, मतलब क्लियर है और इसको यहाँ से सीधी आ रही है, अगर मैं भी बिना चेक दबाए देखूं ना तो ये शेयर हो जाएगा, हो गया ना, चेक दबा के दिखाएंगे, ये तो नॉर्मल चीज है, ऐसा चेक दबा के आ गया ना आपको समझ में। तो प्रोटोटाइपिंग आपको क्लियर हो गया ना, कैसे कैसे करना है, लिंक कौन सा कोडिंग, ये वाला, ये सब कुछ कुछ चीजें ना कोडिंग से होता है, तो यार इसमें जैसे ये वाला मूव कर रहा है ना, ये कोडिंग से ही हो पाता है, ये से ये जो है ये कोडिंग से होता है, ये देखो ये कोडिंग से होता है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, एक बार मूव करा सकते हो, एक बार से ज्यादा मूव कराने तो कोडिंग से, या फिर आप क्या करो ऐसे कार्ड आए, हाँ इस तरीके से आप करके दिखा सकते हो, ड्रैग करने का ऑप्शन नहीं। हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो डेवलपर होगा ना उसको ऐसे डिजाइन बना के दे देंगे,
अब वो क्या करेगा, बिल्कुल सेम दिखेगा और सेम कोड करेगा। अब उससे क्या फायदा मिलेगा, उसे ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इतना मार्जिन कर रहे हैं, इतना बैटिंग कर रहे हैं, इतना रन बना के दे दो उसको, ऐसा ही वो डेवलप कर देगा। अगर यूएक्स कर लो, यूआई यूएक्स कर लो तो कोई नीड नहीं है, यूआई डेवलपमेंट कर लो तो आपको नीड कर। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो मतलब जो डेवलपर है उसको कहाँ कहाँ दिक्कत आ जाती है, आपको उस हिसाब से डिजाइन करना है। ऐसा नहीं करना कि जो डेवलपर से बन ही नहीं पाया और आप वैसे डिजाइन कर दो, ऐसे डेवलपर तो पॉसिबल ही ना हो और आपने वैसे डिजाइन कर दो, ये चीज। अगर आपको ये चीज करनी है कि ऐसे सोलर बनाना है, सोलर मतलब जो लाइक अगर आपको ड्रैग करके दिखाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि इसको मैंने बोल दिया था फोन आ गया था, राहुल देखो फोन सब कोई नया बैठा है। मशीनों में जल्दी सपोर्ट करता है, हाँ सेम ही है, इलेक्ट्रिक में जैसे ही है। दो तीन चार पाँच छः अपने सेलेक्ट कर ली ओपन, और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, हाँ ये रख देते हैं इन डिजाइन जो है वो बुक के लिए, हाँ बुक नहीं इंटीरियर के लिए, बुक मैनेजमेंट के लिए
बुक्स हो गई, मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, उनके लिए आप अगर वही यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए मेन पर रास्ता बता करेगा। यूआई यूएक्स में लेफ्ट हैंड एसडीओ के बाद तीन रहेगी, इलस्ट्रेटर, एसडी, फिग्मा और फोटोशॉप भी चार रहेंगे। फोटोशॉप एक्सडीओ और फिग्मा और फोटोशॉप चार। देखो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा, राइट क्लिक किया और इससे क्या करा, फ्रेम सिलेक्शन, और हमने क्या करा इससे यहाँ से फ्रेम को छोटा कर दिया इस तरीके से, आपको दिखाता हूँ आपको, ये ऐसा भी चलता है डिजाइन, ठीक है। और यहाँ से क्लिक कंटेंट पे क्लिक कर देगा, ठीक है। और यहाँ से प्रोटोटाइपिंग में जाके नो स्क्रोलिंग की जगह हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग कर लेगा, इससे क्या होगा ये आप इस तरीके से स्क्रॉल करके दिखा दें, ठीक है, आया समझ में। तो ये भी काफी चलता है एप्लीकेशन में, बहुत होता है आई इस तरीके से। हां प्रोडक्ट ऐसे क्या होता है, उन्होंने प्रोटोटाइप में कैसे दिया सर, हमने इसके हमने डुप्लीकेट बना के कुछ नहीं करा इसमें, नहीं सर हमने प्रोटोटाइपिंग में हमें ऑन और हम यहां पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो फ्रेम के अंदर जितनी भी चीजें होगी वो ऐसे मूव कर जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये। तो ये हो गया हमारे पास, तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर पहला अपन डिजाइन करते हैं।